ओम प्रभु तो भाई 11 फरवरी को एकेडमी का फाउंडेशन डे है प्रोग्राम है आप सभी लोग सम्मानपूर्वक इनवाइट है और प्रोग्राम यहाँ नहीं है प्रोग्राम कहीं बाहर है ठीक है जी लेकिन आपको पहुँचना सभी को है जैसा भी होगा वो पूरी सूचना आप लोगों तक मिल जाएगी जो चयनित विद्यार्थी है जैसे किसी के जानने वाले हैं यार दोस्त है तो ये एट ज़ीरो फाइव सेवन एट सेवन वन टू थ्री फोर पर अपने आने को कंफर्म जरूर करें सिलेक्टेड तो विद्यार्थी और ये पहुंचना मतलब पहुंचना है कोई एक्सक्यूज़ ना रखें इसमें एक एक ऑल्टो गाड़ी है इनाम में और जी एक चेक है तो इनाम में है जो सिलेक्टेड विद्यार्थी है ये एक ऑल्टो एक गाड़ी और एक चेक है तो सभी लोग इसमें अवश्य पहुंचे और आना कंफर्म इस पे करें फिर मसूरी है दिन सैटरडे है ये प्रोग्राम हमारा ग्यारह फरवरी को ये प्रोग्राम हमारा नाइन एम से लेकर थ्री पी एम है ठीक है जी उस दिन सैटरडे का देने भाई अच्छी बात यह है प्रोग्राम ख़त्म मसूरी पहुंच जाओ बर्फ भी गिरेगी आनंद लो जिनकी नौकरी लग गई उन्हें पैसे की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है वो तो कैपेबल है सक्षम है ठीक है जी लेकिन ये हमारी तरफ से इनाम है ऑल्टो प्लस एक चेक तो इस नंबर पे आना कंफर्म करें एट ज़ीरो फाइव सेवन ताकि हम कंपनी में ऑर्डर दे दें इनाम मिलेगा नहीं जो सेलेक्ट हो चुके हैं अलग अलग विभाग में जो अलग अलग विभाग में सेलेक्ट हो चुके हैं गाड़ी से ड्यूटी जाना मैं तो कह रहा गाड़ी को बैग में रख के भी लेके जाना शायद भावुक हो गए बच्चे गाड़ी है ये ई ए डी ग्रुप ऐसे तो पहिए लगे हुए जी ये तुम्हारी जिंदगी को ऐसे फटाफट आगे बढ़ा रही है ठीक है तो इस गाड़ी का वजन होगा 200 ग्राम इतनी बड़ी गाड़ी है जी तो ऐसे जीवन आपका आगे भागता रहे चेक में तो बहुत बड़ी राशि है तो इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है जी जो लोग आएंगे बाकी नहीं भी आएंगे जो तो उनका कभी और किसी दिन देखेंगे अपना और जो चयनित नहीं है और वो भी आ गए तो मना तो किसी को हो नहीं अकेडमी का प्रोग्राम है तो बाकी व्यवस्था हमने बहुत अच्छी कर ली यहाँ नहीं है थोड़ा भीड़ भाड़ हो जाएगा अभी तो हम बाहर गए प्लान करके चल रहे हैं ठीक है भाई दिया तो आप सभी देख रहा है भी करेंगे अपना वॉलटियर्स रहेंगे अभी हमारी 500 सौ से छः सौ लोगों की प्लानिंग है जी सिलेक्टेड वाले ये मानो कि सात सौ आठ सौ लोग को अभी जो 2022 में थे लेटेस्ट वालों को कॉल तो कर रहे हैं लेकिन किसी को छुट्टी मिलती है फिर जब नौकरी लग जाती है तो गुरुजनों में दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाती है हाँ हाँ नौकरी लगने के बाद दिलचस्पी फिर ये सोचते हैं कि भाई यहाँ जाएंगे इससे बढ़िया गर्लफ्रेंड के साथ घूम के आ जाए तो प्रायरिटी बदल जाती है जीवन में ना फिर भी मान के चल रही कि छः सौ लोगों में से पचास साठ तो पहुँचे जाएंगे खैर सौ तक अंदाजा आएगी आ जाए बाकी आप सब लोग हैं बाकी और अन्य कोई आना चाहते तो उनका भी स्वागत है तो अपना फाइव हंड्रेड तक की हमारी ये प्लानिंग है कि बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले कुछ ही हो जाएंगे कुछ हमारे स्टाफ है क्या सभी का स्वागत है चलो जी फिर आ जाओ पीएलसी पर फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कंट्रोल नहीं भाई प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर अब फुल फॉर्म हिंदी में नहीं है फुल फॉर्म मतलब इंग्लिश में ही होगी खतरा ना के जी तो ये तो बस इसकी शुरुआत है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर ये इसकी बेटा फुल फॉर्म है चलो देखो जी ये इसलिए मेहनत हो रही है भाई कि ताकि आपके पेपर में दो तीन सवाल आ जाए तो इनका जवाब तुम ही दे पाओ ठीक है जी बाकी लोग इनके आसपास नहीं जाएंगे बाकी लोग तो इसी मुलझे लैंप में थोड़ा आगे बढ़ने का समय है ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर उन्नीस सौ अड़सठ तो शुरुआत हुई धरातल पे 1969 में आया था तो जो ईयर है ये हमारा कौन सा है जी 1968 इसमें उस समय बेटा एक कंपनी थी जनरल मोटर ठीक है ये कंपनी में एक मॉडल तैयार हुआ था मोडी कौन? नोट ए मोदी कौन? मोडी जीरो एट फोर कभी बेचारे कम पड़े लोग लो ये कहने लगे कि ये मोदी जी ने बनाई थी ये मोदी जी ने नहीं बनाई इस कंपनी का नाम था बहुत फेमस थी इंडिया में नहीं है बाद में ये ये देखो इंटरेस्टिंग चीज बताओ जनरल मोटर जीएम बहुत फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी थी इंटरेस्टिंग चीज ये दो हजार नौ में दिवाला हो गया नहीं है क्योंकि 1977 में सिंडर जो कंपनी है इसने इसे मोडिकॉन जीरो एट फोर को बेच दिया अब जो ये बनाए ये बनाई थी डिक मौल जी ने ठीक है जी और इन्हें कहा गया जी फादर ऑफ पीएलसी क्या चीज समझ में आए दोस्त डिक मौल जी ने बनाई और इसे कहा गया देखो इन्हें सम्मान से बोलेंगे इन्हें कहा गया जी फादर ऑफ पीएलसी पीएलसी का पापा ठीक है भाई याद रहेगा 96 सिक्स किसने बनाई ड्रिक मॉडल नाइनटीन सेवेंटी थ्री में ना, फर्स्ट कमर्शियली पीएलसी आई व्यवसायिक पीएलसी यह बनाई इसका जो नाम था बेटा ये था मॉडल वन एट फोर और ये बनाई जी माइकल ग्रीनबर्ग ने 1973 में यह बनाई माइकल ग्रीनबर्ग ने मॉडल नंबर फिर देखो बेटा ओडो जोसेफ इन्होंने भी बहुत फेमस पीएलसी का निर्माण किया और बेटा इन्होंने बनाया देखिए एलन ब्रैडली क्या बनाया जी एलन ब्रैडली ये नाम है दोस्त सबसे शुरुआत में यही चली एलन ब्रैडली और की कंपनी रही रॉकवेल ऑटोमेशन याद हो जाएगा भाई सवाल पूछेगा जवाब दे दोगे यहां से इतने से कई जगह पर एक्चुअली इसे जाना गया छोटे पापा यानी कि कुछ ऐसे अंकल चाचा यानी कई जगह पर क्योंकि ये फेमस बहुत हुई है एल इसे लिख दिया अगर ये नहीं देगा ब्रिक मॉलि तो तब फादर ऑफ पीएलसी ये है लेकिन छोटे पापा मतलब है कि इसके बाद में महत्व तो ही ना देना है यहाँ तक बताओ जी ठीक है कर लोगे अब देखो मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा तुम्हें तो देखो भाई बच्चों जब हम पीएलसी डिजाइन करते हैं तो इसका मॉडल बनाओ ये होता है बेटा सीपीयू सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेटा सीपीयू पर सीपीयू डायरेक्ट जुड़ा होता है कंप्यूटर से जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं लैपटॉप डेस्क टॉप ही लिख लो या फिर इसके अंदर ही प्रोग्रामिंग डेस्कटॉप या लैपटॉप या फिर हैंड हेल्ड छोटी मशीन में लगाते हैं तो मैं भी लिखते रहो पीएलसी एक अलग से हार्डवेयर होता है ठीक है भाई बच्चों पीएलसी अलग से एक हार्डवेयर है ऐसा नहीं कि पीएलसी मतलब कंप्यूटर है पी आप एक हार्डवेयर लेकर आएंगे नहीं नहीं कौन थे अभी तो बहुत देर के बाद दिखाई दिया नहीं तू तो कल भी नहीं आया नहीं। था ये जैसे ना डब्बा लाओ के खरीद के तो इसे आप बकायदा कंप्यूटर से जोड़ते हो ठीक है फिर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो जो प्रोग्रामिंग किया करते हो वो सब कंप्यूटर के जरिए होगी कंट्रोल कंप्यूटर से होगी लेकिन काम कौन कर रहा है पीएलसी तो PLC के अंदर देखे क्या क्या है सीपीयू सीपीयू डायरेक्टली जुड़ा हुआ है फिर PLC को बेटा आप सप्लाई भी दोगे तो PLC को जनरली 24 फोर वोल्ट डिस ये पेपर में आ भी जोगा ट्वेंटी फोर वोल्ट ये हमारा जेई के पेपर में पूछ लिया था लेकिन ये 19 या 20 वाले जेई के पेपर में आया था तो वहां मसाला पुराना हो गया देखो अच्छा ईमानदारी से बताओ पेपर में या सिलेबस में तो तुम्हारे आई टी में कंट्रोल भी नहीं था तब तो भी दो सवाल थे तो आई टी वाली किताब को पढ़ के अगर कोई पढ़ाने लग जाए तो भूल जाओ तुम्हारी किताब में ये जो दे रखा ना ये क्या सोल्डरिंग ये इतने हिस्से में एक पेज पे इतने में तो काम नहीं होता पाँच छः नंबर का सोल्डरिंग आया तो फिर तरीके से पढ़ना पड़ेगा तो जब पेपर में तो ऐसी चीज़ आ रही है भाई जो तुम्हारे सिलेबस के आसपास भी नहीं है अब एग्जामिनर ये मानकर चलता है कि देखो एग्जामिनर उस चीज को चाहता है जो रियल में प्रैक्टिकली उसे धरातल पे जरूरत है आजकल पूरा यूपीपीसीएल ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है तो एग्जामिनर ट्राई करेगा ना ऐसी चीजों को पूछूं मैं जिन पे मुझे काम करवाना है तो एटलीस्ट कम से कम उसे ये तो चाहिए कि भाई स्काडा कई फुल फॉर्म बताने वाले तो बच्चे मिले चलाने वाले ना मिले कम से कम ये तो हो गया हाँ भाई हमने स्काडा देखा तो भाई एल सी हमने सुनी थी चलो जी सीपीयू है ये होता है बेटा यहां इनपुट मॉड्यूल यहां से कुछ इनपुट देते हो बेटा ये मिलते हैं यहां आउटपुट मॉड्यूल तो यहां होता है जी आउटपुट ठीक है और बेटा सीपीयू से कनेक्ट होती है मेरे बच्चों मेमोरी <coughs> कुछ इनपुट देंगे ये अपना आउटपुट यहां देगा जी और ये होती है भाई मेमोरी भाई बना लिया सबने ये अच्छा जी

आना लो जी बनगा तुम तो क्या टेंशन नहीं है लिख लिया बेटा बना लिया आपने देखो अब <laughs> कोई नहीं बेटा इन लोगों के कोई भाई बंधु और पढ़ा रहे होंगे तुम्हें टीजी टू में पी एल सी वी एल सी तो उनसे पढ़ लेना शायद थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते होंगे और लिख रहा है कि सर और बड़ा लिखो कोई नहीं कहीं और पढ़ लेना टीजी टू में जाके पीएलसी को दिक्कत नहीं भाई हम सोच रहे एक ही पेज पे इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा देने आगे भाई और इस पेज की फोटो खींच के अपने सजा के अपने पास रखना अगर पेपर में आएगा तो पहली प्रायोरिटी यही है अब देखो जी इनपुट मॉड्यूल शुरुआत करनी है इनपुट मॉड्यूल से इन पर जो पीएलसी में इनपुट जो होते हैं वो ऐसे इनपुट होते हैं जो किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलते हो जैसे बटन है स्विच स्विच पे तुम प्रयास करोगे कुछ बल लगाओगे ऑन हो जाएगा ठीक है जी बल लगाना मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल था मैकेनिकल फोर्स ना इलेक्ट्रिकल तो याद रखने का तरीका है इनपुट में हमेशा याद रखना बेटा स्विचेज जैसे बटन अब स्विच में अलग अलग कैटेगरी है जैसे लिमिट स्विच हो गया जैसे ये पुश बटन हो गया और एक आपका ये स्लेक्टर स्विच स्ट्रेक्ट हो गया टोगल स्विच हो गया मतलब बटन और स्विच ये सभी किस में हैं इनपुट में है याद रख लोगे ठीक है जब भी किसी शब्द के सामने स्विच मिलेगा या बटन समझ जाओ ये इनपुट है जैसे पुश बटन है सिलेक्टर स्विच टोगल स्विच लिमिट स्विच आ गया ना स्विच और बटन अब है बेटा आउटपुट आउटपुट मॉड्यूल में आउटपुट मॉड्यूल में देखो इंडिकेटर अरे भाई कोई इंडिकेट करे लाइट से चलो इंडिकेटर दिक्कत है समझने में एलईडी तो समझ सकते हो छोटी वाली है एलईडी इंडिकेट नहीं करती कुछ अगर तुम इलेक्ट्रिक कुछ सप्लाई दो तो बजर नहीं बजता अरे चलो अगर हीटर पे कुछ करंट फ्लो करवाओ गर्म नहीं हो जाता मोटर को अगर सप्लाई दो तो मोटर स्टार्टर को सप्लाई दोगे मोटर चलने नहीं लग जाता हुटर्स ले लो ये लगते नहीं गाड़ियों में तो ये सारे बेटा इस तरह के है आउटपुट इनमें से मतलब ये सबसे ज्यादा जरूरी है भाई अभी इनपुट और आउटपुट ठीक है भाई चाचा आउटपुट और इनपुट चलो जी फिर बात करेंगे देखो और ज़रूरी क्या आ गई बेटा मेमोरी तो देखो इसमें मेमोरी कितने प्रकार की है अरे लिख लिया जी? क्या हो गया लिखना तो पड़ेगा ना नौकरी नहीं चाहिए ओहो फोटो एक फोटो का पचास रुपए खींच ले हाँ नहीं इसमें तो हमने बोल रखा कोई नहीं पहले ये देख लू लड़का ताजमाल लाया कि नहीं समझा के भेजा था वादिया तू घाटा करवा देगा बता रहा हूँ मैं ये सौ रुपए का लाया वो <laughs> बेटा तो तूने ले लिया हिसाब तो है <laughs> बोला साथी रात भी पहले लेके आया इनसे पचास रुपए बढ़िया स्वाद आ रहा हाँ तुम भी खाना क्लास हो जाए टेंशन ना ले तू बना ले सबने चलो भाई खुल के बोला कर आज इससे पहले क्लास में इसके आनंद आ गया पूरे बैच सी के साथ में मॉडल नंबर मॉडल नंबर है ये अभी जैसे ट्रैक्टर पांच सौ पचपन पांच सौ पचपन क्या है मॉडल नंबर है ना ना तक तो कुछ नाम ही नहीं था अठारह सौ चालीस में तो ऑटोमेशन का जिक्र भी नहीं था ना एक सौ चौरासी अब 555 सौ पचपन तो इसवी पूर्व ले गया ट्रैक्टर नहीं होते दो सौ तिहत्तर दो सौ पिछहत्तर दो सौ पैंसठ दो सौ पचपन होते तो है मॉडल है वो तो इतने नहीं चलो जी पीएलसी में मेमोरी की बात करते हैं बेटा अरे दो पेज तो लिख लो ये दो पेज में पूरा करा दूंगा तुम्हें तो पीएलसी की इंपॉर्टेंट चीजें देखो इसमें एक मेमोरी का नाम होता है एग्जीक्यूटिव मेमोरी ये एकमात्र ऐसी मेमोरी है इसमें आप ये मत लिखना कि किसका क्या काम है बस ये लिखो कि मेमोरी का नाम कौन सा है और कौन सी किस तरह की है अच्छा पी रह गया देखो जी कंप्यूटर भी पढ़ाए तुम्हें हाँ जी भाई यार एक होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल जो वो अलग है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड only मेमोरी ठीक है ये लिखा हमने और एक होती है ए -ए, electronically फ्रेजेबल रीड ओनली मेमोरी ठीक है भाई हाँ भाई बच्चों नेक्स्ट होती है सिस्टमेटिक सिस्टम मेमोरी सिस्टम मेमोरी नेक्स्ट बोलो इनपुट आउटपुट डाटा या इनपुट आउटपुट स्टेटस मेमोरी होती है जनरली तो। फिर बोलो जी डाटा मेमोरी और फिर तो बेटा पीएलसी में ये पांच प्रकार की मेमोरी है एग्जीक्यूटिव किस प्रकार की है रोम टाइप है ठीक है भाई रोम टाइप की है रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी ये जनरली एक परमानेंट मेमोरी है एक होती है रैम इसे लिखते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है भाई बच्चों तो ये बाकी जितनी मेमोरी है ये रैम टाइप है मेमोरी याद होगी भाई मान कहने लगे कि निम्न में से कौन सी मेमोरी नहीं है वैलिड नहीं है तो आपको बताइए कौन सी है तो ये हो गई जी अपनी एग्जीक्यूटिव ये हो गए सिस्टम ये हो गई इनपुट आउटपुट टाइप की ये हो गई डाटा और ये हो गई

तो ये है ही नहीं ना वो तो पूरी फॉर्म लिखी मैंने मतलब ये रोम टाइप है सबसे ऊपर वाली एग्जीक्यूटिव मेमोरी चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ो इसमें पूरा जो खेल है वो दो का है स्विच का है इनपुट और आउटपुट देखो जी। खैर आपने एक छोटी सी चीज़ ये देखी है कि जब आप कंप्यूटर को ये जोड़ते हैं तो जनरली लैपटॉप डेस्कटॉप को आप जोड़ते हैं केबल है आर एस टू थर्टी टू सी केबल से ये केबल है यानी पी को लैपटॉप या डेस्कटॉप से जोड़ा जाता है बेटा आर एस टू थर्टी टू सी केबल से यह भी बहुत खास सवाल है जी केबल का नाम ये है इससे आप पी को कंप्यूटर से जोड़ते लिख लिया आर एस टू थर्टी टू सी बना लिया बच्चों ये नेक्स्ट देखो PLC का जो प्रोग्रामिंग करते हो PLC प्रोग्रामिंग बेटा आप तीन प्रकार से करते हो जो सबसे ज्यादा फेमस है PLC प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है भाषाएं हैं वो तीन है बेटा जो सबसे ज्यादा फेमस है वो कहलाता है लेडर डायग्राम बेस्ट और पेपर में अगर पूछे तो यह इंपॉर्टेंट इसे ही करते भी है दूसरा जो होता है बेटा ये होता है बुलन ट्रेंड से बाहर है और ये सिर्फ फ्रांस बेस्ड में किया जाता है ठीक है जी Graphic. ये सिर्फ फ्रांस बेस्ड में किया जाएगा तो हम लोग जितने भी पीएलसी यूज कर रहे हैं वो सब में क्या है बेटा लेडर डायग्राम इसकी भाषाएं हैं लैंग्वेज है <coughs> जी आर एफ सी टी नहीं नहीं इसकी तुम्हें नहीं लिखने फुल फॉर्म ना देखो बेटा ये दिमाग में रखना एक होती है स्मॉल पीएलसी एक होती है मीडियम पीएलसी और एक आती है फिर लार्ज या बड़ी पीएलसी ठीक है जी प्यारे बच्चों इसमें इनपुट आउटपुट होते हैं 128 इनपुट आउटपुट इसमें होते हैं 128 से 200 इनपुट आउटपुट और बेटा इसमें होंगे दो से ज़्यादा ये इसलिए लिखा है जेई में आ चुका कि छोटी पीएलसी में इनपुट आउटपुट की संख्या कितनी होती है सो हमारा उत्तर था ठीक भाई याद रहेगा फिर देखो जी फिर कुछ प्रसिद्ध कंपनियां हैं जो पीएलसी में डील किया करती हैं कुछ इंडियन कंपनी भी है कुछ फोरन कंपनी भी है इंडिया में थोड़ा लिमिटेड है फोरन में कुछ ज्यादा है। चलो जी शुरुआत में रिलायंस पावर सीमेंस, एबीबी होगी एलन ब्रैडली हिताची तोसीबा, मित्सुबेसी ओमरोन टेक्सास और जनरल इलेक्ट्रिक सिलेंडर तो बहुत फेमस है चलो जी इन्हें में कुछ ना कुछ आ जाएगा ये कुछ फ़ेमस कंपनियां हैं जो पीएलसी बनाती है <coughs>

आपको याद है रात को बारह बजे इलेक्ट्रिकल किट है मैंने ऑर्डर किए थे तो उसको बना के एक्सपेरिमेंट करना है वैसे वो इलेक्ट्रिक कट इलेक्ट्रिकल किट किसके लिए है वो मतलब क्या है वो दोनों के लिए। लिए नहीं, ठीक है आपको इलेक्ट्रिकल अच्छी लगती है, है। फिर क्या होगा फिर क्या एल ई डी जलने लग जाएगी बिजली कैसे बनती है बढ़िया वो बताया तो था था एक दिन टर्बाइन घूमती है चलो ये कुछ फेमस कंपनियां हैं नेक्स्ट लिखेंगे इसमें देखो एक होता है एनओ NO स्विच जिसे आप लिखते हो नॉर्मली ओपन स्विच तो नॉर्मली ओपन स्विच को आप कुछ ऐसा डिनोट करेंगे ठीक है जी एक होता है एन सी नॉर्मली क्लोज स्विच ये एन NO ओ है और ये एन सी है अब ये ध्यान देना है जैसे हम लोग नॉर्मली ओपन बनाते हैं और ये दिखा दिया बेटा आपने आउटपुट ठीक है तो ये दिमाग में रखो कि अगर ये जीरो है तो जीरो का मतलब होगा कि जैसे इसकी पोजीशन है इज रहेगी तो अगर मैं कुछ इधर से इनपुट दूंगा है तो ये खुला है नॉर्मली ओपन मतलब खुला है तो आउटपुट पे कोई भी करंट नहीं पहुंचेगा तो ये आउटपुट जीरो और वन पे यहां वन जैसे नॉर्मली क्लोज है बेटा ये नॉर्मली क्लोज पर अगर हम जीरो देंगे तो बंद है तो जीरो पर वन आ जाएगा और अगर वन है तो ये खुल जाएगा तो यहां पर जीरो है ज्यादा से ज्यादा आपको ये सिंबल जरूर दे सकता है कि नॉर्मली ओपन का कौन सा है नॉर्मली क्लोज का कौन सा है <coughs> फिर नेक्स्ट चलना है हमें टू पोर्ट नेटवर्क पर एक सेशन रखना है टू पोर्ट नेटवर्क कल आ तो सही करेंगे हम अरे भाई बड़े एंगल से फोन फोटो देख ले एक फोटो खींचने के पचास रुपए दो हो गए भाई दो दो है भी चले भाई आगे क्या हो गया देखो जी हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी आप ये प्रोग्राम लिखोगे तो मान लिया आपसे ये कहने लगे कि ये प्रोग्राम किसके बीच में लिखते हो देखो कि होता क्या है कि एक कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर होता है कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी को हम दो हिस्से में तोड़कर बनाया करते हैं अगर हमें कम वोल्टेज पर ऑपरेट करवाना तो पैरेलल में जोड़ लो और ज्यादा पर तो सरीज में भाई 200 इसका दो इसका 400 हो जाएगा तो कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी पर देखो सुरक्षा की दृष्टि से हम फ्यूज लगाते हैं ये सिंबल होता है जी फ्यूज का ठीक है जी तो हमेशा याद रखना जो भी लैडर डायग्राम बनेगा ये सीटी के सेकेंडरी साइड पर दो ये कहलाती है जो लाइन है ये कहलाती है पावर लाइन या कई बार ये कहलाती है पावर रेल कई बार सिर्फ रेल भी कहते हैं इन्हें और कई बार इन्हें अप राइट्स बोलते हैं मान ली आपको कहने लगे कि प्रोग्राम किसके बीच में जो लेडर डायग्राम बनाओगे किसके बीच में बनाओगे तो आप कहना जी हम पावर रेल के बीच में बनाते हैं इनमें से जो पॉजिटिव होती है ये कहलाती है हॉट पावर रेल और बेटा एक निगेटिव पे जुड़ती है निगेटिव वाले को कहा जाता है न्यूट्रल तो हॉट पावर रेल और न्यूट्रल के बीच में लेडर डायग्राम बनाया जाता है जैसे मान लिया मुझे बफर यानी कि चलो नॉट गेट बनाना है तो मैं ये करने वाला हूं ये मैं देख रहा हूं जी आउटपुट लगा दिया लैम्प हमने क्या दिक्कत है तो देखो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ ये है कि भाई यहां से करंट यहां जाना चाहिए है ना कुल मिलाकर करंट हमारा बेटा यहाँ से यहाँ पर जाना चाहिए तेजस इधर ध्यान से देखो पूछूंगा मैं तुमसे हाँ तुमने क्या देखा है कि करंट यहाँ से यहाँ पहुँचना है मान लिया हम ये जीरो लगाने लगे तो जीरो पर ये क्लोज है क्लोज रहेगा तो यहाँ वन है और अगर वन है तो ये ओपन होगा तो ये ये बेटा क्लियरली मिल जाएगा नॉट गेट ये बन जाएगा नॉट गेट ठीक है जी अब इसी को अगर मैं मान लिया ये मेरी पावर रेल है बेटा इसी के बीच में मान लिया मैं ये कहता कि नॉर्मली ओपन है और ये आउटपुट है ये क्या बनता है? बफर बन जाता डिजिटल में पढ़ा रखे यार ये तो अब यही पावर रेल मान लिया मैं ये लगा देता है इसमें ये ए और बी ये आउटपुट तो ये क्या बन जाता एंड ठीक है और अगर इसमें चाहे तुम देख लेना जीरो जीरो ये करके जीरो 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 वन वन जीरो वन वन और अगर हम पैरेलल में ये लगा लेते तो ये बन जाता दोस्त और गेट तो आपके पास में अगर ये तीनों में से कुछ आ गया तब तो भी बढ़ जाए चलो जी इतना करके जरूर जाना नेक्स्ट आते हैं देखो इसकाडा पर अरे यार तुमसे तो फुल फॉर्म पूछ ली तब भी बढ़िया सवाल है कब बनाया था पापा छह का का नाम पूछ लिया तब भी बहुत बड़ी बात है यार एंटरटेनर है वो उसकी तुम वीडियो देखना एक चैनल है उसका प्रॉपर तेजन ब्लॉग ना प्रॉपर कमेंट्री चलती है उसकी एक एक चीज आपके चैनल का नाम क्या है अच्छा अभी लास्ट संडे कहाँ गए थे हम लोग पिकनिक मनाने लास्ट संडे बुद्धा टेम्पल वहां अंदर मंदिर में कौन थे लांबा और तो लामा को देख के चिकू खड़ा हो गया गाने गाने लगा बाला बाला <laughs> किसी ने कुछ नहीं कहा ऐसे उसे वो वैसे ही लगे और कपड़े भी वैसे पहने हुए थे तो वो तुरंत गोद से नीचे उतरा और बाला 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 वो घूमने लगा और डांस करने लगा उन्हें देख देखते हाँ हाँ वाह चलो ये स्काड़ा गिर जाएगा बैठ जाओ शांति से तो जो लेटर डायग्राम है वो कहाँ बनाओगे कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी पर ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन बाकी कोई नहीं पढ़ा रहे लेकिन तुम लोग गवाह हो गए पहले पढ़ा के भेजे सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाजिशन देखो एक चीज और नोट करेंगे यार ये बना लिया सबने जो पीएलसी था पीएलसी सबसे पहले जो डिजाइन हुआ था दोस्त वो होता ऑटोमोबाइल के लिए ठीक है स्काडा जो सबसे पहले बनाया गया था सबसे पहले बना था ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए सबसे पहले जो स्काडा सिस्टम बना था वेदर फोरकास्टिंग के लिए स्काडा को जनरली चार अलग अलग जनरेशन में तोड़ा है फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन का नाम दिया गया मोनोलिथिक मोनोलिथिक इसका तात्पर्य है कि इसके साथ में कोई अन्य कनेक्टिविटी नहीं थी तो भैया फर्स्ट जनरेशन को मोनोलिथिक यानी कि नो कनेक्टिविटी सिर्फ इतना कि पहली जनरेशन को जाना गया है किसके रूप में मोनोलिथिक यानी कि कोई कनेक्टिविटी नहीं सेकेंड जनरेशन को देखिए जी सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड स्काडा के रूप में जिनमें जो कनेक्टिविटी थी वो लैन के द्वारा थी लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन के द्वारा कनेक्टिविटी थी याद रहेगा भाई जो थर्ड जनरेशन है इसे जाना गया है स्काडा वेद स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इनके नाम है दोस्त ये और इसकाडा विद स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में जो कनेक्टिविटी थी वो थी वैन के द्वारा वाइड एरिया चलते हैं अभी थोड़ा सा बस बचा और सो गए ओ चलो सो जाओ तुम सो जाओ सो जाओ देखो जी जैसे इलेक्ट्रिकल में यूज होने वाले कुछ सॉफ्टवेयर है जिनमें से एक बहुत ही फेमस है बेटा मैटलैब। ठीक है जी जब हम ये सॉफ्टवेयर की चर्चा कर ही रहे हैं मैटलैब, जनरली इसकी फुल फॉर्म होती है मैट्रिक्स लेबोरेटरी और इसे बनाया था बिल्कुल सही जी क्लेव मोलर जी ने फुल फॉर्म याद रहेगी दोस्त इसे बनाया क्लेव मोलर और जो कंपनी है कंपनी नहीं है भैया मैथ्स वर्क ठीक है जी देखो दिमाग में ये चीज रखना इसमें जो हम मॉडल बनाते हैं एक एक इसमें प्रोग्रामिंग होती है और एक इसमें मॉडल बनता है तो उस विंडो को ये एक बार आ चुका है इसे कहते हैं हम सिमुलिंक सिमुलिंग जहां मॉडल बनाया जाता है हाँ दिखाना इंटरनेट अभी वर्तमान में यही चल रहा है मैट्रिक्स मैट लैब मैट्रिक्स लेबोरेटरी फुल फॉर्म है क्ले मोलर ने बनाई है कंपनी है मैथ वर्क और जी इसमें जहां पर मॉडल बनता है उसे कहा जाता है सिमुलिंग लिख <coughs> लिया सबने जिन्होंने बनाया है ये कंपनी है इलेक्ट्रिकल में एक और काफी फेमस सॉफ्टवेयर है लैब व्यू फुल फॉर्म है लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वर्क बेंच और भैया ये जो बनाई है ये बनाई है नेशनल इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने है ना ठीक है जी नेक्स्ट है हमारा एक और सॉफ्टवेयर है दोस्त जिसे हम कहते हैं होमर नहीं नहीं रे इसमें एक विंडो खुलती है जहां मॉडल बनाते हैं तो उसको सिमुलिंग कहते हैं ये ऐसी चीज है जिनमें हमारा कुछ एफर्ट ही नहीं है जैसे कहा कि मॉडल बनाने के लिए क्या करोगे तो इसमें एक ऑप्शन होगा सिमुलिंग सेलेक्ट करो मिल गया नंबर जहां तक लोग सोचेंगे ही नहीं जैसे एक सॉफ्टवेयर है बेटा होमर हाइब्रिड ऑप्टीमाइजेशन ये फुल फॉर्म है इनकी ऑप्टिमाइजेशन मॉडलिंग ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस देखो ये कहा किसके लिए डिजाइन है रिनोबल एनर्जी में बहुत फेमस है जी ये है रिनोबल एनर्जी के लिए ठीक है भाई ये भी लिखो एक चीज इंटरेस्टिंग है लेब्यू सॉफ्टवेयर है ये ये इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर है अब इलेक्ट्रिकल देखो रिनोवल के लिए होमर हो गया लेब व्यू हमारे जनरली मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट के लिए डिज़ाइन करते हैं ये हमारा सभी मशीन्स की मॉडलिंग के लिए होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी जैसे हम लोग पूरी वायरिंग वायरिंग करते हैं ना ड्राइंग तो इलेक्ट्रिकल में ये लिख लिया गया करो करो इसे एक बात बताऊं तो मैं ये एग्जामल के मूड की बात है हो सकता है तुम्हारे दस नंबर इन्हीं तीन पेज से आ जाए क्योंकि ये वो ट्रेंडिंग चीजें हैं जो बच्चे पढ़ नहीं रहे लेकिन यूपी पी में वर्तमान में काम हो रहा है उनपे फिर तो तुम हमारे नारे लगाते आओगे सेंटर पे से हैं? हमने बता तो दिया तुम्हारे नोट्स में से आएंगे डेढ़ सौ के डेढ़ सौ एक नंबर भी बाहर से नहीं सारे के सारे नोट्स से आएंगे लेकिन कुछ तो ऐसे नमूने हैं बेचारे जिन्हें जो जितनी बार पढ़ा लो वो कभी सुधार नहीं करेंगे पच्चीस पेपर करने के बाद दोबारा से विक्रांत बैच की उसी सीरीज को दोबारा से सॉल्यूशन पे लगो इसके सवाल तुम्हें करवा दूंगा मैं बीस तीस सवाल होंगे ऑब्जेक्टिव अपना लगवा देंगे में से कुछ ना कुछ अपना फंसेगा कंपनी जिसने इसे बनाया चलो आगे देखो जब इलेक्ट्रिकल में ड्राइंग की बात होगी ड्राइंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ऑटो कैड बस इतना लिख लो ड्राइंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है जहाँ तार तूर खींचोगे बस अरे कहीं भी पिछले पेज पे लिख लो ड्राइंग में कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है ऑटो कैड चलो जी इसे इतने को करके जाना पढ़ के जाना ये यूनिक चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए चलिए जी धन्यवाद